गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द चैप्टर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फार्मूला। स्टूडेंट्स, हमने मिरर फार्मूला के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या किया था, सॉल्व किया था हमारे पिछली वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज भी हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फार्मूला। कल की वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बात किया था, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फ्रेंड्स, यहां पर आपके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें गिवेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया। एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, आपको लर्न होगा, मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें ये सामने उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने होता है, बट प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ पर होते हैं, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होते हैं, यानी राइट साइड में होते हैं। अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये पॉइंट्स जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, और राइट साइड के जो कन्वेंशन आपको बताया गया था, दैट इज पॉजिटिव, दे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो ये हमको राइट साइड में मिलेगा, और राइट साइड का कन्वेंशन हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट अ लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ओके, तो लेफ्ट साइड का कन्वेंशन नेगेटिव होता है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन द गिवन क्वांटिटीज, दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। नाउ एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि प्लस में पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, क्या पूछ रहा आपसे फ्रेंड्स, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। नाउ फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रेंड्स फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, यू नो वेरी वेल अबाउट मिरर फार्मूला दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ 1/v वी हैव टू फाइंड आउट प्लस 1/u माइनस 6 इज इक्वल टू 1/f 12। फ्रेंड्स, यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और जब 1/-6 को हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। फ्रेंड्स, यहाँ पर एलसीएम हमको मिल जाएगा 12, कितना एलसीएम मिल गया, 1/v इज इक्वल टू 12 1 12 1 1 1 प्लस 6 2 12 एंड 2 1 2। इस तरह से हमको मिल गया 3/12। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 3/12 को सॉल्व करेंगे, 3 1 3 3 4 12, 1/v इज इक्वल टू 1/4, देन v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मींस प्लस 4 सेंटीमीटर। तो प्लस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कहां पर बनेगी, स्टूडेंट्स ध्यान रहे, राइट साइड,
राइट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के राइट साइड में यहाँ पर इमेज क्या हो रही है, लोकेट हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है. ओके क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, माइनस में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है. प्लस कन्वेंशन राइट साइड का होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज विल फॉर्म, इमेज विल फॉर्म एट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कितने सेंटीमीटर पर स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर या सिंपली मिरर. तो फर्स्ट आंसर आपका ये मिल गया, पोजीशन पूछ रहा था, पोजीशन हमको मिल गए 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड कैसे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशन में प्लस 4 आ रहा है और प्लस कन्वेंशन राइट साइड का होता है. अगर ये इमेज लेफ्ट साइड बनती तो माइनस में आता, 100% माइनस में आता, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये कहाँ पर बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है. फ्रेंड्स वन मोर थिंग, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी देता है, डिमिनिश इमेज देता है और इसके साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है. तो आपसे यहाँ पर जो नेचर के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, यू कैन इजिली राइट हेयर, ठीक है, और राइट साइड में जितनी भी इमेज बनती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सभी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट. सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड आंसर, इमेज विल बी, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड आंसर. नाउ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. जैसे ही आपने कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, इसलिए वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं. बस कन्वेंशन का यहाँ पे ध्यान देना होगा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का कन्वेंशन नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है. फ्रेंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर स्टूडेंट्स पहले ही दिन मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. तो मींस मिरर आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर. ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अगेन फोकल लेंथ पॉजिटिव में हो जाएगा. फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज. यहाँ पे साइज भी पूछ रहा है, नेचर तो पिछले में भी पूछा था, पोजीशन भी हमने निकाला था, यहाँ पे एक और चीज हमसे पूछ रहा है. तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन गिवन h इज इक्वल टू प्लस 2.5 सेंटीमीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट क्या है, एरो है, एरो कितना बड़ा है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट दी है 2 पॉइंट और हाइट अपवर्ड प्लस में ली जाती है. नेक्स्ट प्लेस राइट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, इट मींस यू इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट की कन्वेंशन नेगेटिव होती है. फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू प्लस 20, कॉन्वेक्स मिरर है मींस डाइवर्जिंग मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पीछे की तरफ होगी, राइट साइड में और कन्वेंशन यस. ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन h डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नेचर, वी आल्सो हैव टू टेल द नेचर ऑफ द इमेज. ओके फ्रॉम मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. ओके स्टूडेंट्स 1 अपॉन v वी हैव टू फाइंड आउट प्लस 1 अपॉन u माइनस 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन f 20. ट्रांसपोज करेंगे स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 20. स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम आ जाएगा 100. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v इज इक्वल टू 100.
देख सकते हैं आप कितना है, 1/25 + 1/20, तो कितना आ जाएगा 25 × 4 + 25 × 4, therefore 9/100. 1/V = 9/100, and we can write here V = 100/9. We can solve it. 9 × 1 = 9, 1 × 9 = 9, 1 × 9 = 9, and so on. इस तरह से आता रहेगा 11.1 cm. ओके फ्रेंड, वी कितना मिल गया हमको, 11.1 cm. अब यहां पर भी देख सकते हैं आप, वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रही है. इट मींस यहां पर भी इमेज कहां पर बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे राइट साइड में बनेगी. ओके सो हम नेचर में लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इमेज विल फॉर्म एट 11.1 cm बिहाइंड मिरर. मिरर के पीछे 11.1 cm दूरी पर इमेज क्या होगी, लोकेट होगी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज, और हमको फार्मूला पता है H′/H = -V/U. फ्रेंड्स H' हमको फाइंड आउट करना है, H′/H की वैल्यू आपने देखा था H′ = −V की वैल्यू आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 100 × U की वैल्यू आपने देखा था कितनी दी हुई थी, 25. स्टूडेंट्स U की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, U = -25. तो मैंने यहाँ पे -25 लिख दिया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, H′/2.5 = 100/9 × 25. ओके 2.5 × 10 = 25 and 10 × 10 = 100. इस तरह से हमको क्या मिल गया, H′/1 = 10/9 = 9 × 1 = 9, 1 × 9 = 1.1 cm. ओके H′ = 1.1 cm. आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हाइट जो इमेज की हमको मिल रही है प्लस में मिल रही है, यानी प्लस में हाइट कहां पर होती है, हाइट अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो हाइट होती है वही प्लस में होती है. और यहां पर भी इमेज की हाइट कैसी हो रही, प्लस में आ रही है, यानी ये इमेज ऊपर की तरफ बन रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है. तो यहां पर हम नेचर लिख सकते हैं, The nature of image is virtual and erect. Okay, students, virtual and erect. This is the final answer of this question. इस तरह से आप भी ऐसे क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. फ्रेंड्स आप अपने आंसर को, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आसानी से जज कर सकते हैं अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज, सारी पोजीशंस याद हैं. फ्रेंड्स आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज देता है, स्मॉलर या डिमिनिश इमेज देता है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है. तो वर्चुअल और इरेक्ट हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. इमेज आप देख रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज कितनी मिल रही है, 1.1 मिल रही है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 2.5 था, यानी उससे छोटी मिल रही है कि नहीं, यानी हमारा आंसर
सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने आंसर को जज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतने न्यूमेरिकल्स को हम रखते हैं। इसके बेसिस पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने, ठीक, अच्छे क्वेश्चन है। आई होप यू विल एंजॉय टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी बाय पोस्टिंग अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।